खेरालू से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर वडनगर हाईवे पे आल्पा होटल के अंदर अभी भी हमारे पर कॉल आया है कि सांप आया हुआ है, तो हम सांप का रेस्क्यू करने रवाना हो रहे हैं। जय भारत। ये है आल्फा होटल, इसके अंदर वडनगर हाईवे रोड पे, इसके अंदर है सांप, तो चलिएगा चलते हैं सांप के पास। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आल्फा होटल के अंदर सांप आया है बाथरूम के अंदर, हम इस सांप का रेस्क्यू करने जा रहे हैं। ये बाथरूम है, वॉशिंग मनु मछलियों को वॉश बेसिंग हाथ धोने का है आल्फा होटल के अंदर, और ये पूरा सांप है, और ये सांप होटल का होता है। चलो है झटके पूरा कर दे ऐसा ही है। इधर तक इधर मत ताक, पूरा बिल्कुल कोबरा है। आल्फा वडनगर हाईवे पर आल्फा होटल के बाथरूम के अंदर हमने बाथरूम के अंदर आया हुआ था और हमने इसको रेस्क्यू कर लिया है। हम अभी आ रहे थे बाथरूम के कोबरा सांप होता है, अगर किसी को काट जाता है तो इंसान की मौत हो सकती है, इसीलिए आप भाई इस सांप से आप सावधान रहिए। हम गाँव ये लगभग 4 फुट से 3.5 फुट लंबा कोबरा सांप है। गर्मी का दिन आ गया ना, कहीं भी निकल सकता है। वडनगर हाईवे पर आल्फा होटल के अंदर बाथरूम के अंदर ये सांप आया हुआ था, और इसको हमने सही सलामत रेस्क्यू कर लिया है, और इसको सूरत जगह पर जंगल के अंदर जहाँ कोई इंसान की अवर्जन नहीं होगी वहाँ इसको सलामत जगह पर छोड़ देंगे। मीट बच्चा ये पूरा अभी नहीं हुआ है, बच्चा ना गया, लेकिन क्या अभी पूरा इसका है ना, नहीं हुआ है इसका आधा, इतना हुआ नहीं, इतना को भी इंसान बने। हाँ ये तो जारी हो ही है, आधा बदल जाओ। होटल के अंदर बाथरूम के अंदर ये सामने आल्फा होटल वडनगर हाईवे पे
अल्फा होटल आई है रेलवे बेटी के सामने, वहाँ से हमने बाथरूम जो है उसके अंदर जो हमने सांप का रेसिपी दिया है। अगर किसी को सांप काटता है तो कोई जंतर मंतर में आना नहीं, सीधे हॉस्पिटल रवाना हो जाना, तो आपकी जान बच सकती है। अगर किसी भूए पास ले जाओगे तो आप मर सकते हो, इसलिए काफी सावधान रहिए। बोलो भाई, होटल अल्फा केरल नगर हाईवे, टॉयलेट की अंदर साफ आयो तो महबूब भाई केरल वाला साफ पकड़वा बोलाया, मैं रेस्क्यू करी से साफ रेस्क्यू करी ने मसूरी की फैमिली हमारा अच्छा लगे, शेयर को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हम इसको जंगल में छोड़ने के लिए आए हैं और हम इसको जंगल के अंदर रिलीज कर रहे हैं। नागिन और नाग को जंगल में रिलीज करने आए हुए हैं और छोड़ रहे हैं। देखिए ये जा रही है नाग, दूसरा नागिन छोड़ रहे हैं जंगल के अंदर, रिलीज कर रहे हैं। देखो हम नतीजा था।